इंडिया के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, BSNL और वोडाफोन आइडिया अभी एक साइड खड़े होके ट्राई के जो नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं उनके अगेंस्ट अपने ओपिनियंस वॉइस कर रहे हैं। क्या टेलकोस को इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस के साथ प्रॉब्लम है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अब भी कर दो और चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों सर्विस क्वालिटी ना कंज्यूमर्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स है ट्राई के लिए। ट्राई एज अ सेक्टर रेगुलेटर इंश्योर्स कि हर एक कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस मिले रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस ही और शी लिव्स इन। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं दूसरे रिमोट एरिया में रहते कंट्री के, आपको एक अच्छा सर्विस मिलना बहुत ही जायज़ सी बात है अगर आपने उस सर्विस के लिए पे किया है उतने ही अमाउंट जितना कि कोई मुंबई या दिल्ली जैसे सिटी में रहने वाला अर्बन यूज़र ने पे किया है। तो ट्राई ने फरवरी में ड्राफ्ट रेगुलेशंस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अराउंड रिलीज़ किए थे। इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस के हिसाब से टेलकोस को ये एडवाइस किया गया था कि आप हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में हर एक जो लाइसेंस सर्विस एरिया है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LSA, उसका ऑडिट करवाएंगे। तो हर एक लाइसेंस सर्विस एरिया के लिए आप अलग से ऑडिट करवाएंगे। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट टेलकोस ने बोला है कि क्योंकि हमारे जो टैरिफ्स है हर लाइसेंस सर्विस एरिया में ऑलमोस्ट सेम है, तो हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि हम जो सारे लाइसेंस सर्विस एरियाज के टैरिफ्स को ऑडिट करवाएं किसी ऑडिटर से। इसमें ना तो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा बल्कि एडिशनल रिसोर्सेज भी यूज होंगे। और एयरटेल ने तो ये भी बोला यार इंटरनेशनली भी जो मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम है ये ऐसे ऑडिट नहीं होते कहीं भी किसी भी कंट्री में। तो ये इंडिया में ऐसा क्यों होगा टेलकोस का ये क्वेश्चन है ट्राई के तरफ से। क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो कंसर्न है ये अभी रिसेंट टाइम में DOT और ट्राई के तरफ से बहुत ही ऊपर जा चुका है क्योंकि जो टेलकोज है ना वो अभी फोकस्ड है 5G रोल आउट के तरफ और 5G रोल आउट की वजह से ना 4G के जो सर्विसेज है उसका जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बहुत नीचे गिरता गया है पिछले कुछ महीनों में। अगर हम कस्टमर्स की माने तो बहुत ज़्यादा कॉल ड्रॉप इश्यूज, बहुत सारे कॉल का जो मिक्सिंग होता है कि आप किसी और को कॉल कर रहे हो और स्विच हो जाते हो किसी और को लग जाता है ऑटोमेटिकली इवन दो आपने वही नंबर पे कॉल किया। तो यार ये सब क्वालिटी कंसर्न्स ना ट्राई को बहुत ही ज़्यादा बुरे लगे और इसी वजह से ट्राई ने ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है क्वालिटी ऑफ सर्विस के अराउंड इसको रिलीज किया। बट टेलकोज आर यू नो वेरी फेयर एज वेल जब वो बोलते हैं कि क्योंकि हमारे टैरिफ्स दिल्ली और मुंबई दोनों जगह सेम है तो हम दोनों जगह का जो दोनों डिफरेंट लाइसेंस सर्विस एरियाज है इसका ऑडिट अलग से क्यों करवाए, इट डजेंट मेक एनी सेंस विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो यहाँ पे ट्राई का क्या रिस्पॉन्स होगा इसके अगेंस्ट ये तो हमें नहीं पता। बट इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कैसे टाइप के क्वालिटी कंसर्न्स मिले अब जब से 5G रोल आउट चालू है ये हमें ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे जो 95-96% ऑफ व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो विच इज़ एक्चुअली अ वेरी सैड थिंग फॉर अस। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो अभी कर दो और मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को थम्स अप जरूर देना। बाय बाय।